हीरो आईफोन 12 के ऊपर सो रखा है। देखो कि मम्मी ने क्या सोचा है उसके लिए नाम। गाइस जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कुत्ता बहुत अनकंट्रोलेबल है। नो, उन्होंने लिखा है कि भाई रोहित नाम रख दो, यानी कि बीगल का नाम रोहित रख दो। अब तो सुन ले, कान खोल दिए तेरे। शेरू शेरू हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो कल की वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या नाम रख सकते हैं हम अपने इस लिटिल बीगल डॉग का, तो काफी कमेंट्स भी आए। मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स पढ़ के जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रात को सोनू ने सभी घर वालों से एक एक करके पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ और उसके बाद मैं सारे कमेंट्स आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट किया है। तो बस बने रहिए व्लॉग के साथ और पहले फुटेज देखिए सोनू के, जो कि उसने कल रात को रिकॉर्ड किया था जब मैं मामा को छोड़ने स्टेशन तक गया था। हीरो आईफोन 12 के ऊपर सो रखा है, देखो। शीरो शीरो हेलो। तो गाइज मैं हूँ सोनू। जैसा कि आप सब को हमने पहली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे एक अपनी नई वीडियो के साथ, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे घर पे आया है एक नया मेहमान जिसका नाम हमने सोचा है शीरो और शेरू। तो गाइज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या सोचा है उसके लिए। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं मम्मी से कि मम्मी ने क्या सोचा है उसके लिए नाम। मम्मी क्या सोचा है आपने उसके लिए नाम? शेरो शेरो। तो गाइज जैसा कि आप सबने सुना कि मम्मी ने शेरू बोला, तो अब हम पूछेंगे पापा से कि पापा ने क्या सोचा है उसके लिए नाम। पापा आपने क्या सोचा है उसके लिए नाम? सरता। गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि बड़े भैया अभी सो रहे हैं और शेरू यहाँ पे है नहीं और अजीत भैया अभी यहाँ पे है नहीं, तो जैसे शेरू नीचे आता है हम लोग वापस आते हैं। गाइज तो अब हम पूछते हैं शेरू से कि शेरू को क्या पसंद है। तो ये रहा शेरू और ये अब जा रहा है मेरे घर पे। अब फिर हम मेरे घर जाके पूछेंगे। चलो शेरू चलो 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 घूमी। हाँ अब इसका नामकरण होगा गाइस। ये मेरे घर जा रहा है, चलो कम 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 लेट्स गो। गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे, तो अब मेरी मम्मी से पूछते हैं कि उनको क्या नाम पसंद आ रहा है। तो मम्मी आपको क्या नाम पसंद आ रहा है? शेरू। तो गाइस मम्मी ने भी शेरू ही बोला है। अब हम पूछेंगे गोपाल से। मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में और येरा गोपाल और शेरू फाइटिंग विद ईच अदर। सो गोपाल आपने क्या सोचा है शेरू के लिए नाम? प्रो, पीरो, पीरो। पीरो। तो गाइस जैसा कि आप सबने देखा कि गोपाल ने सोचा है पीरो नाम। गाइस तो अभी अजीत और अखिलेश रह गए हैं, तो जैसे ही अजीत भाई और अखिलेश दोनों आते हैं वैसे ही हम दोबारा देखते हैं कि क्या सोचा है उन्होंने उसके लिए नाम। तब तक के लिए हम चलते हैं, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अक्की भाई भी वापस आ चुके हैं। अक्की भाई से पूछते हैं कि उन्होंने क्या नाम सोचा है अपने न्यू पेट के लिए। सो अखिलेश भाई आपने क्या नेम सोचा है? मेरा तो शेरू है भाई, सोचा क्या है, मैंने तो रख दिया शेरू नाम। ओके तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि अखिलेश ने भी शेरू रखा, तो अब हम आप सबसे जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि हम उसके लिए क्या नाम रखें, और तब तक अजीत भाई भी आ जाएंगे तो हम उनसे भी पूछ लेंगे। ओके गाइस तो बाय। चलो उस कमरे में चल के भाग रहा कबाड़ियों की तरह, तेज तेज चल के भाग रहा था। बन सोचिए पार्क मिल गया घूमबे के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? शेरू सिट। शेरू उसको पता भाई है। शेरू बैठो सिट। गाइस जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कुत्ता बहुत अनकंट्रोलेबल है। नो 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 नो, ये किसी के कंट्रोल में ही आ रहा है। नो नॉटी। नो हैंड शेक करो, हैंड शेक लीव। टफूडी टफूडी नहीं है प्लीज।
वेयर इज माय टफूडी। तो आप लोगों ने देखा कि घर वालों ने क्या क्या नाम सजेस्ट करे हैं इस बीगल के लिए, यानी कि शीरो के लिए। अब मैं आपको वो कमेंट्स दिखाता हूँ जो आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो में मारे थे। तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट मुझे दिख रहा है वो है श्याम पोखरियाल का। तो श्याम पोखरियाल हमारे भाई जी हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई रोहित नाम रख दो, यानी कि बीगल का नाम रोहित रख दो। तो रोहित कौन हुआ? रोहित है मेरी बुआ जी का लड़का। और अगर आपने उत्तराखंड की मेरी सीरीज देखी होगी तो उसमें रोहित मेरे साथ बहुत सारे ब्लॉग में था, तो आप लोगों ने देखा होगा तो पहचान लिया होगा रोहित कौन है। तो वो बीगल का नाम रोहित रखने के लिए सजेस्ट कर रहा है। तो भाई अब मैं क्या कहूँ यार। तो जो दूसरा कमेंट मुझे शो हो रहा है उस चैनल का नाम है इंडियन मॉम इन मैक्सिको। ये इनके मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं इनकी, और ये फूड के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं मैक्सिकन फूड के बारे में। तो आप लोग इनका चैनल विजिट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस डॉग के लिए कोई नाम तो सजेस्ट नहीं किया हम लोगों के लिए। तो इन्होंने जो कमेंट लिखा है वो है आई लव डॉग्स एंड आई केम रनिंग हेयर व्हेन आई सॉ द टाइटल। मतलब कि जैसे ही आपने टाइटल डाला तो मैं भागती आई इस वीडियो में और मैंने वीडियो देखा। तो ये इन्होंने कमेंट किया है। जो तीसरा कमेंट शो हो रहा है मुझे वो है सानवी पोखरियाल का। इन्होंने लिखा है कि आई वुड सजेस्ट द फॉलोइंग नेम्स, टेडी, इसका नाम टेडी बताया है, रॉकी, रॉनी और शिम्पू। तो काफ़ी अच्छे नाम हैं हमारे बीगल के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नाम को वोट मिलेंगे हम वही रखेंगे इसका। उसके बाद जो कमेंट मारा है वो है कुल्लू वाला ने, जिन्होंने लिखा है सुपर्ब और दो दिल बना रखे हैं। उसके बाद फिर से सानवी ने कमेंट मारा है #बीगल और दो स्माइली फेसेस लगाए हैं, धन्यवाद। आई एम क्वीन ने कमेंट मारा है शीरो एंड शेरू बोथ आर गुड नेम्स, शुक्रिया। उसके बाद प्रवीण कुमार ने लिखा है क्यूट डॉग। उसके बाद सोनू तोमर ने जो कमेंट मारा है, यानी कि जिसके फुटेजेस आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे होंगे, उन्होंने लिखा है शेरू और दो दिल बना रखे हैं। उसके बाद हिमांशु भदुला ने जो कमेंट मारा है, यानी कि अपने भाई ने जो कमेंट मारा है वो है, उन्होंने लिखा है कि आई एम द बिग फैन ऑफ सलमान खान। तो भाई तो सलमान खान का फैन है तो इसका नाम सलमान खान थोड़ी रख दूंगा मैं। उसके बाद सनीता पोखरियाल ने मस्त वाला साइन बना रखा है, यानी कि स्टिकर बना रखा है। अनुज घिल्डियाल ने जो कमेंट मारा है उन्होंने लिखा है शेरू और शेर के मुंह बना रखे दो, तो धन्यवाद भाई। उसके बाद संगीता सेमवाल ने जो कमेंट मारा है उसमें लिखा है आई वुड सजेस्ट जिम्मी। तो जिम्मी काफी ज्यादा अच्छा नेम है और शुक्रिया। उसके बाद जो मुकुल वर्मा ने कमेंट मारा है उसमें उसने लिखा है कि भाई मैं भी डॉग अडॉप्ट करना चाहता हूँ, आपने कहाँ से इसे अडॉप्ट किया? तो भाई मैंने पूरी डिटेल आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, आप वहां से देख लीजिए। और उसके बाद सुरेश पोखरियाल यानी कि चाचा जी ने जो कमेंट मारा है वो लिखा है शीरो सही है, तो धन्यवाद चाचा जी। फिर जय तोमर ने मारा है पीरो बोलते क्या, मतलब मुंबईया लैंग्वेज में बोला है पीरो बोलते क्या अपन लोग इसको। तो जय भाई यानी कि अपने गोपू भाई बिल्कुल बोल सकते हैं इसको, तो आपका एक वोट इसके लिए आ चुका है। उसके बाद अजय पोखरियाल यानी कि भाई ने कमेंट मारा है शीरो, ओके। उसके बाद जो अगला कमेंट जिसने मारा है उसका नाम है रश फोर क्लच, उन्होंने लिखा है सेकंड व्यू, तो धन्यवाद भाई जी। अगला कमेंट है गिरीश सीपी का, जिन्होंने लिखा है कालू। भैया तो काला बिल्कुल भी नहीं है तो आपने कालू क्यों बोल दिया समझ नहीं आ रहा। वैसे मोस्टली जो सारे काले कुत्ते होते हैं उनको कालू ही कहते हैं, फिर राकेश पोखरियाल यानी कि पापा जी ने भी इसका नाम शेरू ही रखा है। तो ये सारे कमेंट्स थे जो आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किए थे। और एक नाम और सजेस्ट किया था मुझे अंजीज ब्लॉग ने, आप उनके चैनल को सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे। उसने कहा था कि तू इसका कुछ भी नाम रख ले, चाहे शेरू रख या शीरो रख या जिम्मी रख या पीरो रख, लेकिन मैं तो उसको कुकुरू ही बुलाऊंगी, और कुत्ते को कुकुर बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में। तो अलकार दीपक ने भी मुझे जो नाम सजेस्ट किए थे वो नाम थे शीरो और दूसरा नाम है शेरू। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मारे, तो आप सभी को शुक्रिया। लेकिन अब हम इसको फाइनल डिसाइड करते हैं कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा कमेंट आया मेरे पास वो है शेरू का, तो इसका नाम हम लोग शेरू रख सकते हैं। जो दूसरा सबसे ज्यादा नाम सजेस्ट किया गया है वो है कि शीरो ही रखो, तो शीरो रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूनिक कमेंट मुझे लगा वो है कि इसका नाम रोहित रख सकते हैं। तो इसका नाम रोहित भी रख सकते हैं लेकिन रोहित रखेंगे नहीं, तो इसका नाम फाइनल हम लोगों ने सोचा है कि शेरू ही बुलाए। मैं भी यही चाह रहा था कि या तो इसका ओरिजिनल नेम जो है शीरो वो रख सकते हैं या तो शेरू। तो मम्मी इसको शेरू बुलाती है, अब पापा भी इसको शेरू बुलाने लग गए, और जो सोनू अक्की ये सब लोग हैं ये इसको शेरू ही बुलाते हैं। पता नहीं उनको क्या नजर आ रहा है इसमें शेर के जैसा, लेकिन शैतान बहुत ज्यादा शैतान और जिद्दी है। तो इसका जो फाइनल नेम है वो है शेरू, और आज से इसका नाम शेरू, और निकनेम में आप शीरो भी बोल सकते हैं इसको। इसके नामकरण का केक अब कटेगा 11 दिसंबर को, जिस दिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी है उसी दिन इसके नामकरण का हम केक भी काट देंगे। और शेरू के लिए कुछ गिफ्ट्स और कपड़े आ रखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेरू को प्यार करते रहिए।
अभी सो रहा है, पूरी रात भर परेशान करेगा हमें। शेरू शेरू शेरू, अब तो सुन ले, कान खोल दिए तेरे। शेरू शेरू शेरू, इग्नोर मार रहा है। सो गया है बेचारा, अभी इसको नीचे की आदत डाल रहे। वैसे ये 2:30 या 3 बजे सीधा सो जाएगा बेड पे जब भाई आएगा। तो अभी 10:30 हो चुका है, अभी नीचे सोया हुआ है। जहाँ इसको ठीक लगे वहीं सो सकता है ये। यहाँ ठीक लगे, यहाँ पे बेड में ठीक लगे, बेड में।